हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सो वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ वो है सेकंड टाइप ऑफ फ्रॉड, जो कनाडा में नहीं बल्कि इंडिया में होता है। वो है जैसे मेरा ये आइल्स का TRF कहते हैं इसको, ठीक है। ये जो फॉर्म है फेक बिकते हैं। आपको व्हाट्सएप पे बहुत सारे ग्रुप में अगर आप ज्वाइन करोगे ना इमिग्रेशन वाले में, तो बहुत लोग कहते हैं कि मैं आपको ये सर्टिफिकेट विदाउट टेस्ट दूंगा, प्रोवाइड करूंगा। जी हाँ, आपको सिर्फ देने हैं 50,000, 70,000 या 40,000 रुपीस, और आपके हाथ में ये प्यारा सा आइल्स विदाउट टेस्ट दिए आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा। फिर आप अपना वीजा लगवा लेना, आराम से आप यहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे। सो गाइस, क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें पता नहीं होता इन चीज के बारे में, इनका ये फ्रॉड क्या होता है। जैसे मेरे पास है अपना टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म, ओके, ये आइल्स का टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म है मेरे पास, ओके। यहाँ पे होता है टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म नंबर। ये नंबर जितना दम लगा लो आप, ये नंबर आप कभी क्रिएट नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब है, जैसे अगर हमारा एक लाइसेंस होता है, उसका लाइसेंस नंबर होता है, ये सारा कंटेंट आप क्रिएट कर लोगे, बट जब वो बंदा ये सर्च करेगा ना, आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड फॉर्म नहीं आएगा, रिकॉर्ड आएगा ही नहीं। ये मैं लिख के दे रहा हूं। तो इन जैसे फ्रॉड से बचो, और प्लीज अपना फ्यूचर कभी स्पॉइल ना करना, क्योंकि अगर आप इधर आ गए, चलो हो गया, चलो क्लियर हो गया, किसी ने चेक नहीं किया, आपकी किस्मत अच्छी रही, यहां पे आके जब आप वर्क परमिट दोगे या PR अप्लाई करोगे, वो सारा आपका बैकग्राउंड डाटा चेक करते हैं। बैकग्राउंड चेक में अगर आपका ये निकला, फिर आपको पता ही क्या करती है कैनेडियन गवर्नमेंट। वो तो ऐसे ही सख्त है कि 20 आवर्स से अगर आप ज्यादा काम करो तो आपको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। जोबनदीप के साथ हुआ, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अगर आप कोई कैनेडियन रूल्स को तोड़ते हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, तो आपको जुर्माना तो देना ही पड़ेगा। तो इस फ्रॉड से बचो। हालांकि ये मेरा रियल है आइल्स का, तो मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा था कि ऐसे फॉर्म आपको व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग ग्रुप में मैसेज करते हैं कि ये ले लो ले लो। पाव भाजी नहीं है भाई, मेहनत करो, इंग्लिश नहीं आती सीखो, लर्न करो, ना कि शॉर्टकट अपनाओ। जितना ज्यादा आप शॉर्टकट अपनाओगे उतना लॉन्ग टर्म अंदर जाओगे। ये मैं डरा नहीं रहा, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा काम है आपको गाइड करना, ठीक है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये दुनिया है ही ऐसी, ठग है एक नंबर की दुनिया। लोग फ्री में आपकी हेल्प नहीं करेंगे, और पैसे दे के अगर आप जो हेल्प लोगे वो भी डायरेक्ट वे से नहीं होगी, वो इनडायरेक्ट वे से होगी। अगर आपने शॉर्टकट अपनाया ना, आप बहुत प्रॉब्लम में फंसोगे, सच में। चलो मान लो आपका सब कुछ हो गया, आप आइल्स का एग्जाम नहीं दिया, आपने पैसे दिए, फॉर्म मिल गया, आप इधर आ गए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। भाई जब जहां जॉब करोगे, शॉप्स में जाओगे, इंग्लिश तो यूज करोगे ना अपनी, कि हिंदी में बोलते रहोगे, यूज करोगे ना अपनी इंग्लिश, कैसे कम्युनिकेशन करोगे, कैसे लोगों से पूछोगे कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे इस कॉलेज में जाना है, मेरी क्लास ये है, मुझे कोई क्लास बता सकते हो, कैसे अपनी असाइनमेंट्स करोगे। इसलिए ऐसे एजेंट्स, ऐसे लोगों से बचो, ठीक है, दूर से ही हाथ जोड़ दो। जी हम आप जैसे हैं वैसे ठीक है, मेहनत से आगे बढ़ेंगे, ऐसी चीजों पे कभी फोकस नहीं करेंगे। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इन चीजों से बचो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। डिसलाइक करने वाले डिसलाइक कर सकते हैं, मुझे पता है वो क्यों करते हैं डिसलाइक, क्योंकि उनसे ये सहा नहीं जाता ना, मैं वीडियो बनाता हूँ और तुम लोग मुंह उठा के डिसलाइक कर देते हो पहले, ठीक है। पहले बराबरी करना सीखो, हफ्ते में 2 वीडियो अपलोड करो, फिर आओ, फिर बात करो मेरे से। और जो मुझे वो देते हैं ना, क्या कहते हैं कि तेरा ये नहीं सही है, ये कर ले वो कर ले, भाई पहले अपने आप को देखो, ठीक है, शीशे में पहले अपने आप को देखो, फिर आके मेरे से बात करना। सो मेरी जितनी भी ऑडियंस है, ऑल द वेरी बेस्ट जो आ रही है कैनेडा। तो मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था इन लोगों से, तो मेरा बताना जरूरी था आपको। तो वीडियो को लाइक करना मत भूला करिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, और जो डिसलाइक करते हैं करने दो,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस यही बताना चाहता था कि वीडियो तो आएगी आएगी, चाहे तुम लोग जो बोलो ठीक है, और चाहे जो मर्जी कमेंट करो, जो भी हेटर्स वगैरह हैं वो तो बनते ही रहते हैं, ऐसे आएंगे ऐसे जाएंगे और पल पल में बदल जाएंगे, लोग बदलते ही रहते हैं। यहाँ तो अपने रिश्तेदार भी अपने नहीं होते, ये तो सिर्फ डायरेक्ट लोग यहाँ सब्सक्राइबर्स ही हैं, पर जितने भी मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं आपसे हाथ जोड़ के विनती है, थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर। अगले फ्रॉड के बारे में मैं जल्दी बताऊंगा आपको, बाय बाय।